हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, लाइक ऑलमोस्ट 11:51 हो रखा है। मैं अभी जस्ट उठी हूँ। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम फीलिंग वेरी लेजी टुडे। सो नाउ आज क्या बनाया जाए? सी, इट्स वेरी लेजी डे और अभी मुझे भूख तो लग रही है। सो आई एम थिंकिंग वॉट टू मेक। सो लेट्स गो टू दिस चिकन। चिकन? लाइक सीरियसली? नो, आई डोंट ईट चिकन। सो लेट्स गो टू द किचन एंड फिर सोचते हैं कि क्या बनाना है। तो ये है हमारी दाल जो मैंने गरम पानी में भिगाने डाली थी, तो जो कि अभी रेडी हो चुकी है। सो दिस इज़ दाल, दिस इज़ कोरिएंडर, धनिया, हीर मैंने प्याज काट के रखा है, अनियन, टमेटो एंड सबसे मेन इंग्रेडिएंट दाल पालक है, तो पालक तो चाहिए। सो दिस इज़ स्पिनच, पालक। सो ये स्पिनच लीव्स को मैंने बस चॉप करके रख दिया है। सो सबसे पहले अभी दाल और पालक दोनों को साथ में बॉईल करके पका के लेते हैं। ओके, दाल और पालक मैंने कुकर में डाल दिए हैं और इसी के साथ साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा मसाला। सो या चिली पाउडर, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। दिस इज फ्रॉम इंडिया, ये घर पे बनाया है मेरे मॉम ने। सो इसमें माँ के हाथ का प्यार है, सो आई ऑलवेज यूज दिस। अगर आपके पास घर का मसाला नहीं है, यू कैन यूज रेड चिली पाउडर। ओके, सो दाल, पालक और बस ये मसाला, रेड चिली पाउडर, दैट्स ऑल। अब मैं और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, लिटिल, नॉट वेरी मच। और अब इसको बंद कर देते हैं और सीटी बजने का इंतजार करते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ओके, सो सी यू इन सम टाइम गाइस। हमारा दाल और पालक पूरा कुक हो चुका है। अब मैं उसको थोड़ा सा मैश करूंगी क्योंकि मुझे दाल जो है ना वो मैश बहुत पसंद है, तो इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हिंग, हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और प्याज को अच्छे से हम सौते कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब हम अनियन को अच्छे से सॉटे करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमेटो, फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, सॉल्ट, अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा क्यूमिन सीड पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और मसाला हमने पहले ही डाल दिया था। अगर आप और तीखा चाहते हो तो इसमें डाल सकते हो, मैं नहीं डाली हूँ बिकॉज मेरे लिए इतना तीखा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देन नाउ लेट इट कुक। अब मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, बिकॉज मुझे कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, सो आई एम एडिंग सम कसूरी मेथी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी दाल। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और 5 मिनट इसको अच्छे से बॉईल आने के लिए रख देते हैं। गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे फ्रेश कोरिएंडर। गाइस, हमारी दाल पालक बनके रेडी है और इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि आ हा हा हा, मतलब बस घर की याद आ गई। सो आप भी जरूर बनाइए, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो अब मैं खाऊंगी मेरी दाल पालक और यहाँ पे बन रही है मेरी रोटी। सो रोटी, दाल पालक और सलाद और दही, तो मेरा खाना तो हो गया और आप भी बनाइए एंड मुझे बताइए कैसी बनती है। डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिए। उसी के बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सी इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो इस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए।